से स्टार्टिंग हो जाती है सबसे सस्ती वाली। कितनी? 2200 रुपए से। कार में बैठा हूँ और इसका प्राइस कितना? हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड सेफ। सर देखो, आज का जो ब्लॉग होने वाला है, आने वालों को इलेक्ट्रिक टॉयज मतलब काफी चीप रेट में आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। इलेक्ट्रिक टॉयज आपको नहीं बताना, तो यार इलेक्ट्रिक टॉयज वो वाले होते हैं जो बच्चों की जो है गाड़ियाँ होती है। इलेक्ट्रिक टॉयज जो है सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, काफी अलग अलग वैरायटी की गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो देखो यार, मैं जो अभी ब्लॉग बनाने जा था, मेरे को एक इलेक्ट्रिक टॉयज यहीं पर ही दिख गया, तो मैंने सोचा क्यों ना दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो गाड़ियाँ ना मतलब इसी टाइप के इलेक्ट्रिक टॉयज होते हैं सारे, तो वहाँ पर जो है और भी अलग अलग वैरायटीज के मिल जाते हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं। यहाँ से जो है मार्केट की स्टार्टिंग हो जाती है सीधा। तो अभी जो है मैं झंडे वाला मार्केट के मतलब जो मेन मार्केट है ना उसके अंदर आ चुका हूँ। दोनों साइड मतलब साइकिल्स की और जो टॉयज होते हैं बच्चों के टॉयज हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। काफी फेमस मार्केट है ये। मैं जो है झंडे वाला मार्केट में आ रखा हूँ। इंट्रो में बताया था कि मैं आज जो है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज दिखाने वाला हूँ आपको, और वो भी यार काफी मतलब चीप रेट में आपको मिल जाएंगे। और यार देखो, मैं जो है इस पे आ रखा हूँ, ईशा बेबी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको। और भैया कैसे हो? ठीक हो? तो आप बता दो कि यहाँ पर किस किस टाइप के टॉयज मिल जाते हैं? सारे मिल जाएंगे, कार बाइक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, कार बाइक्स और इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज मिल जाएंगे आपके पास, है ना? इतने सारे टॉयज यहाँ पर पड़े हुए हैं। और देखो मतलब ये, और ये देखो ये जीप है कि लाइटनिंग वगैरह कितनी बढ़िया है, और इसकी लाइटनिंग है और काफ़ी मतलब अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये कितने का मिल जाएगा? वैसे 11,000 की है। अगर कोई वीडियो देख के आएगा तो 11,000 की दे दोगे हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया आपको डिस्काउंट मिलने वाला भाई के पास। अंदर चलते हैं और भाई जो है सारे टॉयज दिखाएगा, ठीक है? एज ग्रुप तक के टॉयज मिल जाते हैं? सब बच्चे के लिए मिल जाते हैं, छोटी बड़ी सभी, 1 साल तक, 10 साल तक चला। अच्छा, 1 to 10 years तक के बच्चे रहते हैं वो इस टॉयज को यूज़ कर सकते हैं ना? तो यार दिखा दो, ठीक है? अब चलते शॉप के अंदर चलते हैं और ये यार चला के भी दिखा देना 2-3 टॉयज, ठीक है? हाँ उसे देखो यार, सबसे पहले भाई दिखा रहे लैम्बोर्गिनी, और जो नीचे देखो उतार दिए ये है मतलब ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज है बच्चों के लिए। और ये देखो लैम्बोर्गिनी स्ट्रिप्स टाइप है ना भैया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। स्टील ग्रे कलर है, USB भी लगा सकते हैं, फोन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। गियर दे रखा है इसके अंदर, जैसे ओरिजिनल अपनी गाड़ियों में होता है। तो इसके अंदर RPM आप रिवर्स भी कर सकते हो, पीछे पार्किंग पे भी गाड़ी लगा सकते हो। कंट्रोल होती है कि रिमोट कंट्रोल, मैनुअल दोनों चीजों का ऑप्शन है, प्लस सब ब्लोअर, जो सी कहा जाता है। हां हां हां, मतलब काफी बढ़िया चीज मिल रही है ना भैया। कैपेसिटी सर इसके अंदर आप 60 से 70 kg तक आप डाल सकते हो। 60 से 70 kg इसके अंदर वेट डाल सकते हैं, मतलब मैं भी इसमें बैठ सकता हूँ आराम से। तो बैठ के देख लूँ क्या? तो देखो यार, मैं जो है लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठता हूँ। छोटी है ये बच्चों के लिए, बट अपन बैठ के देखते हैं एक बार। ये देखो, अरे भाई जो है 70 kg तक वेट हैंडल कर सकती है। और भी ये चला के दिखाना थोड़ा सा। तो यार अभी जो है ये लैम्बोर्गिनी ऑन हो चुकी है, रिमोट के अंदर सेल डाल दें और अब जो है इसको चला के दिखाते हैं। ये देखो भैया जो है चलाएंगे, मैं जस्ट बैठ गया। यहाँ पे देखो यार, अभी जो है लैम्बोर्गिनी के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं। और ये देखो, ये रही लैम्बोर्गिनी। देखो ये मेरे साइज की नहीं है, बट भैया कह रहे हैं ये 70 kg तक वेट जो है हैंडल कर सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं ही बैठ के देख लूँ। तो ये देखो, ये मैं बैठा हुआ हूँ। ये देखो, तो देखो यार लैम्बोर्गिनी का आपको प्राइस बता देते हैं भैया। भैया कितने की पड़ जाएगी? 13,500। कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट? डिस्काउंट सर हो जाता है, जैसे होलसेल प्राइस होते हैं सर, यहाँ ज़्यादा मार्जिन के काम नहीं होते। तो देखो यार, भैया ने जो है ये जीप है, और ये जीप निकाल दिया। साइज देख लो आप, बड़ा साइज है। और भैया पूरी रेड कलर की गाड़ी है, और जो है देखो, ये देखो पीछे मतलब पूरी लाइटनिंग लगी हुई है, जैसे एक मतलब जैसे बड़ी गाड़ी में होती है। अच्छा, इसमें ब्लूटूथ वगैरह भी कनेक्ट हो जाता है? अच्छा, ये देखो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया इसमें। आगे फ्रंट में भी कितनी बड़ी बढ़िया लाइटनिंग लगी हुई है। और मतलब इसमें कितना केजी तक का बंदा बैठ सकता है? 100 kg बैठ सकता है इसमें कोई भी, मतलब मैं भी बैठ सकता हूँ, है ना? तो मैं तो यार बैठ नहीं रहा क्योंकि अभी एक और में बैठा था। इसका प्राइस कितना है? 20,000 रुपये, है ना? आपको जो है डिस्काउंट तो देना ही देना है कोई भी है, ठीक है? और भी दिखा दो यार कोई। ये कौन सी गाड़ी है? ये है बुगाटी, ठीक है? और इसको यार ऑन करके दिखाना एक बार।
ये देखो भाई जो है ऑन कर रहा है, ये गेट देख लो भाई कितना, ओ भाई मतलब जैसे असली वाली गाड़ी होती है ना वैसे। देखो ये कितना मस्त चल रहा है, वो इसके बैक में भी मतलब फुल लाइटनिंग कर रखी है। एक मिनट करिए, एक मिनट रुकना, ये देखो ये देखो। और अच्छा ये रॉकिंग फीचर के साथ, अच्छा रॉकिंग फीचर है ये देखो, मतलब इसमें झूला भी है, बच्चे चला रहा है। घाटी मतलब कितने की मिल जाएगी अगर कोई लेना चाहे तो? 10 की बड़ी टी आर एस। और ये कितने की मिल जाएगी अगर कोई लेना चाहे? 10,000 की रेंज है, 10-12 किलोमीटर पर आ रहे सर, एक बार चार्जिंग 10-12 किलोमीटर चल सकती है इसीलिए, है ना सर? इतना बहुत होता है किसी बच्चे के लिए, है ना सर? इसके में आप USB लगा सकते हो, SD कार्ड, हाँ मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑप्शन नहीं है सर। हाँ गाड़ियों के अंदर भी, हाँ जैसे ये जीप हो गई। देखो ये गाड़ी जो है भाई चला के देख रहे हैं, ये कौन सा दबाव पैर से सर? कौन सी फोर्ट एक्सीलेटर? ये BMW है सर, BMW की बाइक है ना, 7,500 रुपए का है। BMW 8,500 की पर है, क्या मतलब BMW का दूसरा मॉडल है ये, BMW का दूसरा लुक आ गया मिनी कूपर। ये कितने की मिल जाती है? ये 8,500, 8,500 रुपए की मिल जाएगी। और ये वाली भाई, ये मेटेलिक है, ये नॉन मेटेलिक है, 8,000 रुपए की मिल जाएगी। अच्छा BMW है ये कितने की मिल जाएगी? ये 7,500 की मिल जाएगी। और गाड़ी है ये कौन सी है भाई? बुगाटी है। कौन सी थी ये भी बुगाटी, ये दूसरी बुगाटी है, दूसरी बुगाटी 6,000 की। अच्छा जी विंटेज गाड़ी, ये भाई सही बोला, ये विंटेज देख लो भाई कितनी मतलब मस्त लग रही है। मिल जाएगी ये 6,000 की, अभी 6,000 की मिल जाएगी। मतलब ये दो गाड़ियाँ और ये मैक्लेरन, ये 5,000 रुपए की मिल जाएगी। मतलब यार यहाँ पर जो सबसे सस्ती गाड़ी है वो कितनी मिल जाएगी? 5,000। अच्छा 5,000 से स्टार्टिंग है और उससे ऊपर जो है कितने तक मिल जाएगी? 20,000 तक। सही, आपको 20,000 में। मतलब ये वाली गाड़ी कितना वेट ले सकती है? 30 किलो वजन। अच्छा हाँ सही बोल रहा है भाई, लैम्बोर्गिनी 70 किलो ले सकती है। ये कौन सा मॉडल है? ये है थार की मॉडल, ये थार का मॉडल है। और ये देखिए इसका नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट भी भाई ये कितने की मिल जाएगी? ये 15,000 की आपको मिल जाएगी। और ये सनशाइन स्पोर्ट्स, ये भी थार है। अपन को थार कितने की मिल जाएगी भाई? 15,000 रुपए की मिल जाएगी। भाई स्टार्टिंग देख रहे हो इसकी? ये देखो वहाँ पर पूरी पीछे जो है लाइटनिंग है और यहाँ पर भी लाइट है सारी, म्यूजिक भी है इसमें, म्यूजिक भी है, FM भी है। कितने की मिलेगी? 15,000 रुपए की मिल जाएगी। और भाई और दिखा दो यार, ये 10,500 की मिलेगी, ये 10,500 की है। वेट ले सकती है ये? लेगी 60 किलो, 60 किलो वजन ले लेगी। अच्छा 10,500 रुपए। मतलब स्टार्टिंग देख लो कैसे होती है, ये देखो भाई ने जो है बाहर निकाल दिए, ये देखो मतलब कैसे स्टार्ट हो रही है ना भाई, जैसे असली वाली होती है। 9,500 रुपए की मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर जो है मेरे बाइक वाले जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं वो है ना। बाइक कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? सबसे सस्ती वाली कितनी? 2,200 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी। अच्छा ये वाली 2,200 की है ना, और इससे ऊपर रेंज कितने तक चली जाएगी बाइक में? और मतलब 3,500 रुपए की वो वाली होगी, ठीक है। और जो सबसे महंगी वो वाली कितने की है? बाहर गया कितने की है वो? वो 10,500 की है, वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये भी मतलब काफ़ी सही लग रही है, और ये भी मतलब 2,500-3,000 की आपको मिल जाएगी यहाँ पर। BMW ये कितने की? 10 की? 10,500 की है। और ये वाली R15 का मॉडल है, ये कितने की मिल जाएगी? 8,500 रुपए की। नॉन मेटेलिक 7,500 रुपए की। ये कितना वेट ले सकती हैं ये वाली गाड़ियाँ? 100 किलो वजन ले सकती है। अच्छा मतलब कोई भी बैठ सकता है, हम जैसे लोग भी बैठ सकते हैं इस पर। एक बार इसको चला के दिखा दो, मैं जो है चला के देख लेता हूँ एक बार कैसी लग रही है। ये देखो ये जो चाबी लगा दी है, स्टार्ट हो गई है। क्या एक्सीलेटर है? अगर आगे दबाएंगे तो आगे जाएगा, है ना? पीछे जाएगा। अच्छा ये यार, और इसका जो प्राइस भाई ने बताया था कितना प्राइस? 10,500 रेट भी ले सकती है, तो यार मतलब काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मतलब ये सारे टॉयज थे आपको मैंने जो जितने दिखाए, ऐसे एड्रेस पूछ लेता हूँ मतलब कहाँ पर पड़ जाएगी? 41 नंबर सीसा पे। रोज खुली रहती है ना ऐसे? जी बस। ऐसे तो कुछ नहीं, कम 7 डेज ओपन रहती है ना। और टाइमिंग कितना रहता है? 11 बजे खुलती है, शाम को 7 बजे बंद हो जाती है। सुबह 11 बजे खुलती है और शाम को जो है 7 बजे बंद हो जाती है। तो गाइस यार कैसी लगी वीडियो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड यार देखो वहाँ पर जो है आपको हर तरीके के टॉयज मिल जाते हैं। और यार झंडे वाला है ना वहाँ पर मतलब टॉयज़ की साइकिल की वो काफ़ी बड़ी मार्केट है, और वहाँ पर तो ये वाले इलेक्ट्रिक टॉयज तो मिलते रहते हैं, जो नॉर्मल टॉयज हैं वो वाले भी मिल जाते हैं। साइकिल वगैरह की बात करूँ तो साइकिल जो है आपको हर वेराइटीज़ की साइकिल वगैरह भी मिल जाती है वहाँ पर। देखिए जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, और बताना है कि मैं और किस टाइप के ब्लॉग्स जो है बना सकता हूँ अपने इस चैनल पर।
पता है ना आपको क्या करना है, लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप न्यू हो चैनल पे, और यार बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज उससे क्या होता है कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले एंड आप लोग वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, हम करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय।